कि हमारे 10 इंच के टॉर्टिया ब्रेड का इस राउंडर साइज टॉर्टिया का फ्लेवर प्लेन होता है। वन साइड हम इसके आइस ब्रेड यूज़ करते हैं। इस रैप की खासियत है कि हम इसको 4 टाइप्स इसको इंक्लूडिंग करेंगे ताकि आपका जो फर्स्ट बाइट टू लास्ट बाइट है वो फिलिंग आउट हो। वन साइड हमने इस तरह इसमें वेज डाली है, सेकेंड टाइम हम लोग इसमें डालेंगे चीज़ स्लाइस और टर्की के हमारे जो बेकन स्लाइसेस हैं वो हमारे उसके बाद कोट होंगे। देन इसके बाद हमारे आएंगे बेक फ्राइज, इसमें कोई ऑयल यूज़ नहीं है, जस्ट आपको प्योर फ्रेश पोटैटो का आपको फ्लेवर प्रोवाइड करता है। एंड देन हमारी एक ग्रिल चिकन आपके 2 साइड को कवर कर देगी। ग्रिल चिकन की कवरिंग के बाद जो हमारे बेकन हैं जो कि प्रोसीड हो चुके हैं, ये लाइट पिंकिश ही रहते हैं दिखे क्योंकि अगर क्यूरिंग सॉल्ट की तो हम इनको मिक्स किया जाता है। बेकन फ्राई ऑफर करता है आपको 2 डिफरेंट फ्लेवर, एक स्पाइसी अवेल होता है और एक नॉन स्पाइसी अवेल होता है। ये सैमलिंग जो है स्पाइसी बनती है जिसमें वन साइड जो वो रेडॉट सॉस है एंड सेकेंड साइड जो हमारी वो है वो डायनामाइट सॉस है। डायनामाइट सॉस का फ्लेवर जो होता है वो सपोर्ट करता है आपके ग्रिल चिकन के फ्लेवर को अपडेट करने के लिए। एंड देन हमारा ये रैप है वो कवरिंग होके एक कैसेडला की शेप आउट में आ जाएगा। इस कैसेडला में आपको फर्स्ट बाइट टू लास्ट बाइट आपको इनसाइड के पूरे फ्लेवर मील करने का मिलेगा। ग्रिलिंग टाइम जो इसका वो मैक्सिमम 2 to 3 मिनट्स है, जिसके आफ्टर मील के बाद आपकी जो ब्रेड है वो क्रंची हो जाएगी और अंदर की जो स्टफिंग है बिल्कुल स्मूथ मिलेगी। उसके बाद हम इसमें अनसॉल्टेड बटर यूज़ करेंगे ताकि आपकी जो क्रंची ब्रेड है वो एक बिल्कुल शाइनी और रेयर टेस्ट में आ जाए। देन इसका जो ब्रेड का फ्लेवर है वो भी आपको अपग्रेडिंग है। मुझे सैंडविच एंड रैप में आपको इनसाइड की फ्लेवर मिलती है, बट इस रैप के अंदर आपको आउटसाइड की लेयर की फ्लेवर भी डिस्टर्ब दी जाएगी। ये रेडी हो चुका है हमारा डबल ग्रिल रैप, जिसके इनसाइड में हमारे ग्रिल चिकन, बेकन एंड डिफरेंट टाइप के वेजिटेबल्स एंड सॉसेस यूज किए। आपके सिंगल सर्विंग के क्रेविंग के लिए ये रैप बिल्कुल परफेक्ट है आपके डिफरेंट सूटेबल चॉइसेस के साथ।